वेलकम व्यूअर्स टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग 101 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है जनरेटिंग कंसोल इवेंट्स। तो इसमें अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना, पहले दो, इनमें ये लिखा हुआ है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है, बट उससे प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रोसेस टर्मिनेट होता है ना, उसको अपने रिसोर्सेज को डीएलोकेट करना, सिस्टम को वापस करने का मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अराइज होती है। दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें वो ये कह रहा है कि जो एससीएच यानी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड करती है विंडोज, तो वो भी इस सिचुएशन में हेल्पफुल नहीं होती। जो अब दूसरा ऑप्शन है, विच इज़ अ कंसोल कंट्रोल इवेंट्स, जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं, यानी एक प्रोसेस जो है वो जब टर्मिनेट करने लगता है किसी दूसरे को, तो वो उसको सिग्नल कर देता है, उसको ये इवेंट जो है वो ट्रांसफ़र करता है, ताकि वो उसको पता पता चल जाए और वो अपने जो है वो रिसोर्सेज को डीएलोकेट प्रॉपर तरीके से जो है वो क्लीन अप कर सके। तो इसमें करना ये होता है कि यानी जो प्रोसेसेस जिनका आपस में रिलेशन है या कोई ना कोई डिपेंडेंसी है, उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जाता है। तो जब एक प्रोसेस जो है वो कोई कंसोल कंट्रोल इवेंट जनरेट या रिलीज़ करता है, तो बाकियों को पता चल जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि अब यानी ग्रुप बनाना पड़ता है इसमें। तो कोई प्रोसेस जब भी क्रिएट प्रोसेस की एपीआई को कॉल करेगा, यानी कि प्रोसेस क्रिएट करेगा, तो उसमें एक फ्लैग पास करेगा, क्रिएट न्यू प्रोसेस ग्रुप। इससे क्या होगा कि वो जो प्रोसेस क्रिएट होगा और जिसने इसको क्रिएट किया, दोनों एक ग्रुप में होंगे, ठीक है। इस तरह मल्टी प्रोसेसेस भी एक ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। तो इसमें यह लिखा हुआ है, दिस क्रिएट अ प्रोसेस ग्रुप इन विच द क्रिएटेड प्रोसेस इज द रूट, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जिस प्रोसेस ने ये ग्रुप बनाया होगा, वो इस यानी इस ग्रुप का वो रूट प्रोसेस होगा, ठीक है, और बाकी सारे जो है वो उसके अंडर होंगे, ठीक है। तो अब इसमें जो ये बता रहा है इस पैराग्राफ में, वन यानी उस ग्रुप के अंदर जो भी इवेंट्स रिलीज होंगे, एक तो वो कंट्रोल सी इवेंट है और एक कंट्रोल जो है वो ब्रेक इवेंट होगा। और उसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, इन अ ग्रुप आइडेंटिफाइड द रूट प्रोसेस आईडी, ठीक है। जिसने वो ग्रुप बनाया है, उसकी जो भी आईडी होगी वो ग्रुप की आईडी होगी, यानी रूट प्रोसेस की जो आईडी होगी वही ग्रुप की आईडी होगी, ग्रुप आइडेंटिफाई को उससे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है कि एक तो टारगेट प्रोसेस शुड हैव द सेम कंसोल एज द प्रोसेस जनरेटिंग द इवेंट, यानी एक जो प्रोसेस जनरेट कर रहा है और जो टारगेट है, टारगेट प्रोसेस दोनों की जो कंसोल है वो सेम होना चाहिए। अगर तो वो डिफरेंट होगा, तो उससे जो है वो कंट्रोल जो भी इवेंट जनरेट करेगा, ठीक है, तो वो टारगेट वाले को नहीं मिलेगा। इन दो पॉइंट्स का मतलब ये है, ठीक है। तो अब इसमें जो एपीआई है वो जनरेट कंसोल कंट्रोल इवेंट की एपीआई यूज़ होती है, ठीक है, यानी इस कंसोल इवेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट है डीडब्ल्यू कंट्रोल इवेंट, वो कौन सा हो सकता है, वो या तो कंट्रोल सी हो सकता है या कंट्रोल ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरा है प्रोसेस आईडी, ठीक है, सॉरी ग्रुप आईडी, प्रोसेस ग्रुप आईडी, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर जो है वो एपीआई लेती है। तो इसका एमसीक्यू इस तरीके से बनता है कि जो एपीआई है कितने आर्गुमेंट लेती है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये आता है कि जो वो कंसोल कंट्रोल इवेंट जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, शॉर्ट में आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सिंपल जॉब मैनेजमेंट शेल है, ठीक है। जॉब ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेसेस को कहते थे, प्रोसेस को कहते थे, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं तो उनको जॉब्स बोलेंगे। शेल, ठीक है, एक इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक CLI कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। तो इसमें जो कमांड्स आती हैं, एक तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है कि जो जॉब शेल की कमांड्स कौन कौन सी, और MCQs में पूछते हैं कि किस कमांड का क्या पर्पज़ है। जॉब बीजी का मतलब है जॉब को बिगन करना, जॉब एस का मतलब है जॉब्स को डिस्प्ले करना, किल का मतलब है किसी प्रोसेस किसी जॉब को किल करना, टर्मिनेट करना। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह लिखा हुआ है कि सेवरल शेल्स कैन रन कंकरेंटली। तो ये MCQs आ जाता है कि एक टाइम पे कितने जो है वो शेल्स रन कर सकते हैं, तो मल्टीपल जो है वो शेल जो है वो रन कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको पहले बताया है कि जॉब बीजी का मतलब है कि जॉब को बैकग्राउंड में रन करना, एस का मतलब है लिस्ट करना, जॉब एस का मतलब है लिस्ट करना, किल का मतलब है किसी जॉब को किल करना, ठीक है। तो ये MCQs में पूछ लेते हैं। तो आगे जो है वो इन API को प्रोग्राम्स में यूज़ किया हुआ है, तो ये पेपर में नहीं आती। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं उसमें क्या है।
फाइंडिंग अ प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो इसके लिए जो एपीआई यूज़ होती है वो है दिस जॉब मैनेजमेंट फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज इज फाइंड प्रोसेस आईडी, ठीक है। तो ये एपीआई यूज़ होती है, तो पेपर में पूछ लेते हैं कि प्रोसेस की आईडी फाइंड करने के लिए कौन सी एपीआई या कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। तो इस लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जॉब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट एक ग्रुप होता है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। जॉब ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो लिखा हुआ है विंडो प्रोवाइड्स आर प्रोवाइडिंग अ ग्रुप प्रोविजन ऑफ ग्रुपिंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ जॉब ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस को ग्रुप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिसोर्स लिमिट्स कैन बी स्पेसिफाइड फॉर ईच जॉब ऑब्जेक्ट, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो यानी ऐसा मैंशन किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है कि किस ऑब्जेक्ट को कितने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हुए हैं या कितने रिसोर्सेज देने हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट पॉइंट है दिस आल्सो हेल्प्स मेंटेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी एक जॉब के अंदर कितने प्रोसेसेज हैं, कोई प्रोसेस कितना एग्जीक्यूट हो गया, कितना रह गया, उसकी प्रायोरिटी किस तरह की, जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेज करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो एपीआई यूज़ होती है वो क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद जो है किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करना है, तो उसके लिए जो एपीआई यूज़ है वो एपीआई यूज़ होती है वो ओपन जॉब ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अगर एक जॉब क्रिएट की है, ठीक है, फिर उसके अंदर किसी प्रोसेस को असाइन करना है, यानी उसके अंदर एक प्रोसेस डालना है, तो उसके लिए कौन सी एपीआई यूज़ होगी वो लिखा हुआ है। वंस द जॉब ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इट कैन बी असाइंड प्रोसेसेस यूजिंग असाइन प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सी एपीआई है, ठीक है। इसके यूज़ में पूछ लेते हैं कि अगर किसी प्रोसेस को जॉब को असाइन करना है तो उसके लिए कौन सी एपीआई यूज़ होगी, असाइन प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है क्रिएटिंग जॉब ऑब्जेक्ट्स, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब एक प्रोसेस किसी जॉब को साइन हो गया तो वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को साइन नहीं हो सकता, ठीक है। जो टॉप पे लाइन लिखी हुई है इसका ये मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो टॉप पे लाइन लिखी है इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो वो चाइल्ड भी उसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा जिसको प्रोसेस बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं करना, यानी जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको सेपरेट रखना है, तो क्रिएट प्रोसेस जब भी एपीआई कॉल होगी तो उसमें जो फ्लैग वैल्यू पास होगी वो क्रिएट ब्रेक अवे फ्रॉम जॉब, ठीक है। तो ये जो है वो फ्लैग वैल्यू पास होगी, इससे क्या होगा कि जो जिस जॉब को पेरेंट बिलोंग करता है चाइल्ड उसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो है वो फ्लैग वैल्यू पूछ लेते हैं, या इस तरीके से एमसीक्यूज आता है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को पेरेंट बिलोंग करता है चाइल्ड को उससे सेपरेट रखना है तो उसके लिए कौन सा फ्लैग पास होता है, ठीक है। इस तरह से भी एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एपीआई सेट इंफॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो एपीआई यूज़ होती है वो सेट इंफॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट है। इसमें जो पैरामीटर हैं, एक तो एच जॉब है, उसके बाद जो नेक्स्ट है जॉब ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन क्लास है, और उसके बाद जो एलपी जॉब ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन है, और ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन लेंथ है। तो इनकी जो डिटेल है वो ये लिखी हुई है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग जो है वो एक दफ़ा बस देख लेना, तो इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है 108 जो लेक्चर है उसमें लिखा हुआ है यूजिंग जॉब ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें जो है वो प्रोग्राम ही है, ठीक है, उन्हीं एपीआई को यूज़ किया हुआ है, तो इसको आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है विच इज़ अ थ्रेड, थ्रेड ओवरव्यू लेक्चर 109 है, इसमें लिखा हुआ है थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक प्रोसेस जो है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स भी हो सकते हैं और सिंगल थ्रेड भी हो सकता है। मल्टीपल थ्रेड वाले प्रोसेस को मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस बोलेंगे, सिंगल थ्रेड वाले को सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो एक एग्जीक्यूशन इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, या एग्जीक्यूशन यूनिट है प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी साइमल्टेनियसली कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो उसमें जब हम लोग टाइपिंग करते हैं तो साइड बाय साइड यानी पैरेलल में हमारे पास नीचे वो वर्ड्स की काउंटिंग आ रही होती है, यानी इतने वर्ड जो है वो टाइप हो चुके हैं, प्लस पेज नंबर भी डिस्प्ले हो रहा होता है। यानी ये तीनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक तो हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं, प्लस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अपने
एंड पे जो है वो वर्ड्स की और पेज की जो है वो काउंटिंग मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे काम एक टाइम पे हो रहे होते हैं। इसी तरह VLC प्लेयर की बात करें, उसमें क्या होता है कि काउंटर्स होते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अगर वीडियो उसमें प्ले करें तो लेफ्ट साइड पे ये शो हो रहा होता है टाइम कि ये जो है वीडियो कितनी चल चुकी है, और जो है राइट साइड पे देखें तो ये डिस्प्ले हो रहा होता है कि कितने टाइम के लिए जो है ये कितने टाइम की ये जो वीडियो है ये रह गई है, ठीक है। इसी तरह उसमें एक स्लाइडर चल रहा होता है, ये बता रहा होता है ये मूवी जो है या वीडियो कितनी चल चुकी है। तो ये सारे काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, यानी उस एप्लीकेशन के अंदर उस प्रोसेस के अंदर मल्टी थ्रेडिंग यूज़ हुई हुई है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जिस तरह गेम्स होते हैं रेसिंग, जो कार वाली जो गेम्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर उसमें यानी सिंगल यूज़र उसको प्ले कर सकता है तो मल्टीपल उस कार को तो जो है वो यूज़र ड्राइव कर रहा है या उसको वो चला रहा है, ठीक है। बाकी जो कार्स रन कर रही होती हैं वो ये थ्रेड्स की वजह से रन कर रही होती हैं, उनको थ्रेड्स रन कर रही होती हैं। तो ये तो बेनिफिट हो गया थ्रेड्स का, ठीक है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मल्टी थ्रेडेड सिस्टम, मल्टीपल थ्रेड्स में एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस, तो ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज करना या उनको कोऑर्डिनेट करना थ्रेड्स को इन अ प्रोसेस, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद इस पॉइंट का भी यही मतलब है, सम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज़ ऑफ थ्रेड। तो अब यानी बहुत सी यानी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो थ्रेड ने सॉल्व की हैं, ठीक है। इससे थ्रेड से पहले जो कॉन्सेप्ट था कि एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल प्रोसेसेस को क्रिएट करता था, बट उसमें डिफ़िकल्टी ये थी कि उनको मेंटेन करना या प्रोसेस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है या उनमें जो स्विचिंग है, तो वो बड़ा ओवरहेड था या बड़ा डिफिकल्ट काम था। वो थ्रेड की वजह से अब वो रिजॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं थ्रेड्स के। अब इसमें डिसएडवांटेज जो पहला वो ये लिखा हुआ है कि यानी एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही हो रहा होता है। अब CPU जो है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, बट वो यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट करता है, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट होती है, तो वो पता यही चलता है कि वो एक ही टाइम पे रन कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे स्विचिंग का जो ओवरहेड है वो बड़ा काफ़ी ज़्यादा ओवरहेड होता है। तो इस चीज़ को भी जो है वो मैनेज करना ज़रा डिफ़िकल्ट टास्क है। यानी एक प्रोसेस जिसको रोकना है, उसकी इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, यानी वो कितना एग्जीक्यूट हो गया या उसने कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट की हैं, उसने कौन से रिसोर्सेज को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को है वो स्टोर करना पड़ता है, और फिर जिस पे स्विच करना है उसकी इन्फॉर्मेशन को रीस्टोर किया जाता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरहेड होता है और टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है। तो नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस आर नॉट टाइटली कपल्ड। तो जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं जिनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है या वो कोई शेयरिंग नहीं कर रहे, तो उनके दरमियान एक तो वो टाइटली कपल्ड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। टाइटली कपल्ड तब होंगे जब वो कोई ना कोई चीज़ शेयर कर रहे होंगे या कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो उनके दरमियान रिसोर्स शेयरिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्टी इस तरीके से होती है कि अब यानी हमने ये भी साथ मेंटेन करके रखनी इंफॉर्मेशन रिसोर्स के बिहाफ पे कि अब ये रिसोर्स पहले किस प्रोसेस के पास था और अब फ्यूचर में किस जो है प्रोसेस के पास जाएगा। तो इस वजह से जो रिसोर्स शेयरिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन इन सिंगल थ्रेडिंग प्रोसेस इज हार्ड कम्प्यूटेशन, ठीक है। अब सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत जो है वो मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में होती है, सिंगल थ्रेडिंग प्रोसेस में जरूरत नहीं होती। अगर उसमें यूज़ हो तो वो प्रोसेसेस कम्प्यूटेशन या प्रोसेसिंग को वो हार्ड करते हैं, उसको रोक देते हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि थ्रेड्स कैन परफॉर्म द एसिंक्रोनसली ओवरलैप्ड फंक्शन विद लेस प्रोग्रामिंग एफर्ट। एसिंक्रोनस फंक्शन परफॉर्म करने हो या इवेंट्स परफॉर्म करने हो, ठीक है। सिंक्रोनस इवेंट्स ये फंक्शन ऐसे होंगे जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, यानी सबसे पहले एक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, ठीक है। अगर एसिंक्रोनस इवेंट्स परफॉर्म करने हैं तो थ्रेड जो है वो बेस्ट है उस केस में, ताकि वो पैरेलली या जो है वो रन कर सकें। तो अब इसमें ये होता है कि अब वो इसमें नेक्स्ट आखिरी पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट जो ज़्यादा होता है इसको किस इन्वायरमेंट में यूज़ करने का, मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में यूज़ करने का उधर बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है। अब इश्यूज़ की बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर है। थ्रेड शेयर रिसोर्सेज विद इन अ प्रोसेस, वन थ्रेड में
इनएडवर्टेंटली अनदर थ्रेड डेटा। इसमें क्या होता है कि अब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो वो क्या करेंगी, वो रिसोर्सेज को शेयर करेंगी, यानी जो रिसोर्सेज प्रोसेस को मिले हैं थ्रेड्स को भी वही रिसोर्सेज मिलेंगे, वो उन्हीं को यूज़ करेंगी। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि यानी एक थ्रेड का डेटा कोई दूसरी थ्रेड जो है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सम टाइम जो कंकरेंसी है वो परफॉर्मेंस को डीग्रेड कर देती है रादर देन कि वो उसको इम्प्रूव करे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इन सम सिंगल थ्रेडेड सॉल्यूशंस यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग कैन मल्टी थ्रेडिंग ग्रेटली कॉम्प्लिकेट्स मैटर। इसका मतलब ये है यानी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिंगल थ्रेडेड से भी काम हो सकता है, तो उन सिचुएशन में मल्टी थ्रेडिंग को यूज़ करने का बेनिफिट कोई नहीं होता, उससे सिंपल जो है वो जो परफॉर्मेंस है प्लस जो कंप्यूटेशन है वो डिग्रेड हो जाती है, या वो उससे फ़ायदा कोई नहीं होता उसको यूज़ करने का। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। इसमें थ्रेड बेसिक्स की बात आ जाती है, तो इसमें लिखा हुआ है वही बात है यानी एक प्रोसेस के साथ मल्टीपल थ्रेड एसोसिएटेड होती हैं, तो थ्रेड्स विद इन अ प्रोसेस शेयर द डेटा एंड कोड। तो ये एमसीक्यूज आता है कि जो शेयर थ्रेड है वो प्रोसेस के अंदर क्या क्या शेयर करती हैं, एक तो डेटा है और कोड को शेयर करती हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जो है ना ये इसके डिसएडवांटेजेस ये लॉन्ग शॉर्ट में आते हैं, तो ये आपने जो है वो माइंड में रखने हैं। थ्रेड इश्यूज़ में थ्रेड इश्यूज़ भी आते हैं, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका भी मैं साथ साथ मैंशन करता रहूँगा। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ एवर इंडिविजुअल थ्रेड्स मे हैव देयर ओन यूनिक स्टोरेज, ठीक है। एक तो यानी वो वाला पोर्शन है जो सारी थ्रेड्स डेटा शेयर कर रही हैं, बट हर थ्रेड को एक डेडिकेटेड सेक्शन भी अलॉट होता है जिसमें वो अपना डेटा जो है वो रख सकती हैं, जो दूसरी थ्रेड्स के साथ जो है वो शेयर नहीं होता, ठीक है। द डेटा इज़ नॉट ऑल टुगेदर एक्सक्लूसिव, इसका ये मतलब है कि वो, अच्छा इस पॉइंट का मतलब ये है कि लाजमी नहीं है कि वो थ्रेड्स जो है वो शेयर नहीं कर सकती, उस पोर्शन को भी वो शेयर कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये प्रोग्रामर ने मेक श्योर करना है कि जो एक थ्रेड है वो दूसरे जो थ्रेड का डेटा है उसको जो है वो उसका जो है वो मिसयूज़ ना करे या उनके डेटा के साथ इंटरफेयर ना करे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच थ्रेड हैज़ इट्स ओन स्टैक फॉर फंक्शन कॉल्स, ठीक है, हर थ्रेड का अपना स्टैक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है कि यानी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि थ्रेड जो है वो डेटा और कोड को शेयर करती हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि हर थ्रेड का अपना स्टैक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है द कॉलिंग प्रोसेस यूजुअली पासेस एन आर्गुमेंट टू द थ्रेड, यानी ड्यूरिंग थ्रेड को कॉल करते हुए अगर कोई यूज़र उसमें कोई इंफॉर्मेशन पास करता है तो वो थ्रेड के स्टैक के अंदर स्टोर होती है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, तो इसमें ये लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट ये, ईच थ्रेड कैन एलोकेट इट्स ओन थ्रेड लोकल स्टोरेज TLS एंड सेट क्लियर वैल्यूज। तो हर थ्रेड की एक लोकल स्टोरेज होती है जिसको TLS कहते हैं। तो ये MCQs आता है कि जो थ्रेड की स्टोरेज होती है उसको क्या कहते हैं, उसको थ्रेड लोकल स्टोरेज कहते हैं। और ये MCQs आता है कि TLS स्टैंड फॉर, तो TLS स्टैंड फॉर थ्रेड लोकल स्टोरेज, ठीक है। ये है क्या, TLS इज़ अ स्मॉल पॉइंटर अरे दैट इज़ ओनली एक्सेसिबल टू द थ्रेड, ठीक है। ये पॉइंटर टू एन अरे है, यानी उस अरे के अंदर जो भी है थ्रेड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो अब इसको भी मेक श्योर करना है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के TLS को मॉडिफाई ना करे, उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया है कि एक सर्वर सिस्टम है, इसमें ये अगर राइट साइड पे देखें तो एक क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर से जब कोई रिक्वेस्ट करता है किसी डेटा के लिए तो उस रिक्वेस्ट के कोरेस्पॉन्ड सर्वर थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। क्लाइंट टू का देखें, उसने कोई रिक्वेस्ट की है तो उसके कोरेस्पॉन्ड सर्वर ने थ्रेड क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट एन है, तो इस तरह एंड थ्रेड जो है वो सर्वर क्रिएट करेगा। तो ये मल्टी थ्रेडेड जो है वो सिस्टम की है, उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी हुई है। अच्छा, थ्रेड मैनेजमेंट, अब यानी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए जो API है वो क्रिएट थ्रेड है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है थ्रेड्स कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज अ पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। यानी थ्रेड प्रोसेस और पेरेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है पेरेंट और चाइल्ड का हो सकता है, या मल्टीपल थ्रेड्स के दरमियान भी रिलेशनशिप हो सकता है, बट वह जो है वो इस चीज़ से
अनअवेयर होता है या उसको इस चीज़ का पता नहीं होता। अब इसमें लिखा हुआ है कि क्रिएट थ्रेड जो है, यानी उसमें उसके जो पैरामीटर्स हैं, एक तो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ थ्रेड होगा, यानी वो थ्रेड कहाँ से किस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट होगी, एक तो ये आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो पैरामीटर है वो स्टैक साइज होगा, और वो उसी स्पेस में से एलोकेट होगा जो उसके प्रोसेस को मिली हुई है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी साइज़ है वो 1 MB होता है, तो ये MCQs आता है, ठीक है। 1 page इज कमिटेड इन स्टार्ट, तो क्या होता है प्रोसेस जो है वो पेजेस में डिवाइड होता है, तो एक पेज जो है वो स्टार्ट में जो है वो किसी थ्रेड को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जो है वो थ्रेड क्रिएट होती है तो उसको कितने पेजेस जो है वो एलोकेट होते हैं, और विद द टाइम ये ग्रो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है, रिक्वायर्स अ पॉइंटर टू थ्रेड आर्गुमेंट, दिस कैन बी एनी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पॉइंटर टू थ्रेड जो है वो पास होगा जिसमें थ्रेड से रिगार्डिंग जो है भी इंफॉर्मेशन होगी। तो अब ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो क्रिएट थ्रेड की जो API है ये लॉन्ग क्वेश्चन में वो जो है पूछते हैं, यानी उसमें पैरामीटर्स लिखने होते हैं। पहला जो है वो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट है, ठीक है, LPS से। उसके बाद जो है वो स्टैक साइज है, DW स्टैक साइज है। उसके बाद स्टार्ट रूटीन जो है वो LP स्टार्ट एड्रेस है, ठीक है, यानी थ्रेड कहाँ से स्टार्ट होगी, ये हमने ऊपर भी देखा था, यानी कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस ये किस मेमोरी लोकेशन से है जो स्टार्ट होगी। LP पैरामीटर जो है, अच्छा, इसमें जो है वो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, यानी थ्रेड से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन उस स्ट्रक्चर के अंदर होगी। उसके बाद DW क्रिएशन फ्लैग्स हैं, ठीक है, तो इसकी जो क्रिएशन फ्लैग्स हैं, और LP थ्रेड ID है आखिरी जो आर्गुमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर से देखना है कि ये क्रिएशन फ्लैग सेकेंड लास्ट जो पैरामीटर है DW क्रिएशन फ्लैग और थ्रेड ID, इन दोनों की डिटेल जो है वो देखनी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो DW क्रिएशन फ्लैग, अगर इस फ्लैग की वैल्यू ज़ीरो है, इफ़ ज़ीरो वुड बीन दैट थ्रेड वुड स्टार्ट रेडीली, जैसे ही इस फ्लैग की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो थ्रेड स्टार्ट होते ही जो है वो एक्टिव हो जाएगी और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। ज़ीरो का मतलब ये है, ठीक है, अगर इस फ्लैग की वैल्यू, ठीक है, करंट सस्पेंडेड होगी तो वो जो है वो थ्रेड जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, वो स्टार्ट नहीं होगी। तो ये लिखा हुआ भी है, इफ़ इट्स करंट सस्पेंडेड देन द थ्रेड विल बी सस्पेंडेड, ठीक है। तो उसको रिज्यूम करने के लिए रिज्यूम थ्रेड जो है वो API यूज़ होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ज़ीरो का मतलब क्या है और करंट सस्पेंडेड का मतलब क्या है। तो उसके बाद जो आखिरी आर्गुमेंट था IP थ्रेड ID, तो ये एक पॉइंटर है, तो इसमें वो थ्रेड की जो भी ID है वो रिसीव होगी। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ इट्स कैप्ट नल देन नो थ्रेड आइडेंटिफायर विल बी रिटर्न, अगर इसकी वैल्यू को नल रखेंगे तो थ्रेड की जो भी ID है वो रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जिटिंग थ्रेड का मतलब यही नहीं है, अगर उसको एग्जिट करना, अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है तो उसको एग्जिट किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि जो इस API को यूज़ किया जाए, ऑल थ्रेड्स इन अ प्रोसेस कैन एग्जिट यूजिंग एग्जिट थ्रेड फंक्शन, तो ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर थ्रेड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तब भी वो एग्जिट हो जाएगी, दूसरा तरीका ये है। ऊपर वाला जो मेथड है उसमें एक्सप्लिसिटली उस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, दूसरे तरीके में वो इम्प्लिसिटली यानी ऑटोमेटिकली जैसे उसकी एग्जीक्यूशन कम्प्लीट होगी तो वो एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे थ्रेड एग्जिट करेगी तो उसने जो मेमोरी ली हुई थी, ठीक है, जो भी उसको स्टैक में से मेमोरी जो है वो एलोकेट हुई थी और वो उसको डी एलोकेट जो है वो कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ द थ्रेड इज़ लिंक टू सम DLL, यानी अगर उस थ्रेड ने DLL को यूज़ किया हुआ है तो जैसे ही ये थ्रेड एग्जिट करेगी तो उसके साथ ही जो है वो DLL थ्रेड जो डिटैच एक फ्लैग वैल्यू है, ये जो DLL मेन फंक्शन है इसको वैल्यू रिसीव हो जाएगी, ताकि इस फंक्शन को पता चल जाए कि इस फंक्शन को, इस DLL फंक्शन को जो थ्रेड यूज़ कर रही थी वो अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके जा चुकी है। तो उसके बाद जो API है, एग्जिट थ्रेड की API है, उसमें एक ही आर्गुमेंट पास होगा, एग्जिट कोड। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हेन ऑल थ्रेड्स एग्जिट द प्रोसेस टर्मिनेट, प्रोसेस तब टर्मिनेट होता है जब उसकी जितनी भी थ्रेड्स हैं वो टर्मिनेट कर जाए,
ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक थ्रेड जो है वो दूसरी थ्रेड को टर्मिनेट कर सकती है यूजिंग टर्मिनेट थ्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट एपीआई है। एमसीक्यूज में आता है कि एक प्रोसेस दूसरे एक थ्रेड दूसरी थ्रेड को किस एपीआई के थ्रू जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। तो इसमें जो है वो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, इन दिस केस थ्रेड रिसोर्सेज विल नॉट बी डीएलोकेटेड। तो इस केस में नुकसान ये होता है कि जो है वो थ्रेड जो टर्मिनेट हुई है उसको अपने रिसोर्सेज सिस्टम को डीएलोकेट करने का, वापस करने का जो है वो चांस नहीं मिलता। तो इसको यूज़ करना जो है वो एक अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली डिस्करेज। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है एपीआई, उसमें गेट एग्जिट कोड, यानी एग्जिट कोड जो है वो गेट करने के लिए जो एपीआई यूज़ हो रही है उसमें एक तो थ्रेड का हैंडल जो है वो पास हो रहा है एच हैंडल, और एल पी डी डब्ल्यू एग्जिट कोड जो है वो एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है। तो ये जो आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, द थ्रेड इज स्टिल रनिंग द एग्जिट कोड विल बी स्टिल एक्टिव, ठीक है, ये जो है स्टिल एक्टिव जो है वो एग्जिट कोड है किस्म का। तो स्टिल एक्टिव अगर ये वाला उसमें वैल्यू पास होगी तो इसका मतलब ये है कि जो थ्रेड है वो एग्जिट नहीं हुई, अभी वो रन कर रही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है विच इज़ द थ्रेड आइडेंटिटी, ठीक है, तो थ्रेड की आइडेंटिटी गेट करने के लिए जो है वो एपीआई जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर जो है सबसे पहली जो एपीआई है वो गेट करंट थ्रेड है, तो इसमें लिखा हुआ है नॉन इनहेरिटेबल सूडो हैंडल टू द कॉलिंग थ्रेड। तो इसका मतलब ये है, तो ये एमसीक्यू आ जाता है गेट थ्रेड, गेट करंट थ्रेड का मतलब क्या है, उसके बाद गेट करंट थ्रेड आईडी का मतलब क्या है। तो इसमें ये लिखा हुआ है ऑब्टेन थ्रेड आईडी रादर देन द हैंडल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है थ्रेड आईडी है, गेट करंट थ्रेड आईडी का मतलब ये है कि थ्रेड की जो है वो आईडी जो है वो ऑब्टेन होगी, हैंडल गेट नहीं होगा। उसके बाद लिखा हुआ है गेट थ्रेड आईडी, तो इससे क्या होगा कि थ्रेड आईडी से थ्रेड हैंडल गेट होगा। उसके बाद जो है ओपन थ्रेड से क्या होगा, क्रिएट थ्रेड हैंडल फ्रॉम द थ्रेड आईडी। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं तो ये जो है इनके पर्पस जो है वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं।